अच्छा होना सबसे अलग होने वाला आज तक किसी ने किसी भी यूट्यूबर ने ऐसी वीडियोस नहीं बनाई होगी जैसा मैं आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ ऐसे टॉपिक पर काम करके बहुत ही अच्छी खासी तगड़ी रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं आप एक एनिमेशन वीडियोस है बहुत ही एनिमेशन करके आप बहुत ही अच्छी खासी रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं आपको कुछ भी नहीं करना बहुत ही आसान तरीके से मात्र पाँच से दस मिनट में आप ऐसी वीडियोज़ को क्रिएट दोस्तों सबसे पहले आपको यूट्यूब पे लेके चलते हैं बहुत ही अच्छा बहुत ही यूनिक टॉपिक लेकर हैं आज और जो मैं आपको चैनल दिखाने वाले हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे सब्सक्राइबर गेन किए हैं मात्र थोड़ी सी ही वीडियोस अपलोड है और बस एक कैट है कैट सॉन्ग गाती हुई है बहुत ही आसान तरीके से ऐसे टॉपिक पर आप वीडियो को बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से पाँच से दस मिनट में ऐसे वीडियोस को आप क्रिएट कर सकते हैं तो यहाँ पे लेके चलते हैं यूट्यूब पे तो कुशिंग शलावत के नाम से एक चैनल है सात लाख साठ हज़ार सब्सक्राइबर है और यहाँ पे देख सकते हैं तीन वीडियो को अपलोड किया है मात्र लेटेस्ट वीडियोज़ की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा व्यूज है डेली वीडियो को नहीं अपलोड करते हैं दो दिन में एक वीडियो अपलोड करते हैं दो दिन बाद चार दिन बाद ऐसे वीडियोज़ को अपलोड करते हैं डेली बिल्कुल भी वीडियो अपलोड नहीं करते हैं लेकिन इनकी लेटेस्ट वीडियोस का व्यूज देखें तो हर वीडियो पे बहुत ही अच्छा व्यूज है यहाँ पे देख सकते हैं जो का दो दिन पहले की जो वीडियो है वो तेरह सौ है और पाँच दिन पहले की छब्बीस सौ और फिर तेरह हजार चौदह हजार यहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा व्यूज है हर वीडियो पे काफ़ी अच्छा व्यूज है एक मंथ का वीडियो देखें तो एक लाख चार हज़ार है बहुत अच्छा व्यूज है बहुत ही अच्छे से आप एनिमेट कर सकते हैं जो कैट होता है कैट का फेस मूविंग होता है आपको कैसे करना है वो सब इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं इसलिए दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा आपको पता चल जाएगा कि ऐसी वीडियोस को कैसे आपको बनाना है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉपुलर वीडियो पर दिखाते तो इनके तीन साल जो पहले की जो वीडियो है वह है उन्यासी मिलियन और यहाँ पे छिहत्तर मिलियन है बारह मिलियन है आठ पॉइंट वन मिलियन है बहुत ज़्यादा मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं इनके और बहुत ज़्यादा वीडियो जो हैं सिर्फ मिलियंस में है बहुत ही नॉर्मल सी वीडियोज़ हैं कुछ भी वीडियोज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है आप बहुत ही आसानी से ऐसी वीडियोज़ को क्रिएट कर सकते हैं इससे अच्छी वीडियोज़ को क्रिएट कर सकते हैं ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में सॉन्ग को गाते हैं लेकिन अगर आप अपना सॉन्ग हिंदी में गाएंगे या इंग्लिश में गाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत ही अच्छी वीडियो दे देखेंगे लोग सबको देखना बहुत ज़्यादा पसंद करेगा जो हिंदी में देखने वाले बच्चे हैं बहुत ज़्यादा देखना पसंद करें जो इंग्लिश में देखने वाले बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखना पसंद करेंगे हर कोई ऐसी वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा पसंद करेगा तो यहाँ पे जो ये जो लैंग्वेज पता नहीं कौन सी गाते हैं आपको समझ आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा और ये जो भी गाते हैं मुझे नहीं मालूम है लेकिन आपको ऐसी वीडियोज़ को कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊँगी गाना अपने आप चूज कीजिएगा कि आपको हिंदी में गाना है या किस इंग्लिश में गाना है तेलुगू में गाना है किसी भी लैंग्वेज में आप अपने शौक को गा सकते हैं आपको बताएंगे कि आपको अगर आपको खुद को गाना है खुद से गा सकते हैं तो अच्छी बात है नहीं आप खुद से गा सकते हैं तो आप ए आई वॉयस का भी सहारा ले सकते ए आई वॉइस से भी आप जनरेट कर सकते हैं वॉइस को सॉन्ग को ए आई वॉयस से भी कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से वॉइस होती है और सॉन्ग को भी गवा सकते हैं सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं तो यहाँ पर इनकी वीडियोज़ को ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप की इनकी वीडियो होती है और जो इनका चैनल है वो हंड्रेड मोनाटाइज है आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इनके चैनल मैंने एक वीडियो को ओपन किया है तो इनका जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है उसको ओपन किया है और यहाँ पे थैंक्स का जो बटन है वो इनेबल है आप देख सकते हैं इसका मतलब ये है कि इनका चैनल हंड्रेड मोनेटाइज है और आपका भी हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप इस टाइप से एनिमेट करेंगे तो यहाँ पे ये यह कैट होती है फिर उसके पास माइक आती है और यहाँ पे कैट का सिर्फ फेस मूव होता है और ये किसी लैंग्वेज में सॉन्ग को गाते हैं ठीक है ये किसी लैंग्वेज में सॉन्ग को गाते हैं और हर वीडियो में जो कैट वगैरह होती है वो अलग चेंज होती रहती है आप भी ये ऐसी कर सकते हैं अलग अलग टाइप के ऐसे कई चैनल हैं तो ये वीडियो पे क्लिक करते हैं उसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं और भी वीडियो देखने को ऐसी जो वीडियोज़ हैं देखो यहाँ पर चैनल जो आ जाते हैं नीचे आ जाते हैं और आप और भी चैनल देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से ऐसे चैनल मिल जाएंगे जैसे ही वीडियोस को अगर चलाते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत से चैनल मिल जाएंगे तो ये यहाँ पे देखते हैं तो ये देखो मिलियंस में वीडियोज है ये चैनल है और ये आप देख सकते हैं एडिक सिहान के नाम से मात्र इन्होंने छाछ वीडियो अपलोड की है और यहाँ पर वन पॉइंट उनतीस मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं और यहाँ शॉर्ट वीडियोस की बात करें तो यहाँ पे इनके शॉर्ट वीडियोस में ये कुछ ना कुछ अपलोड करते हैं लेकिन कैट वाली जो वीडियो लॉन्ग वीडियो में अपलोड करते हैं सेम है इसी टाइप का वीडियो है और इसी टाइप से एनिमेट किया गया वीडियो है लेकिन बहुत अच्छा व्यूज आप देख सकते हैं दो वीक पहले का तैंतीस हज़ार व्यूज़ है इकतीस हज़ार है पचानवे हज़ार है उनतीस हज़ार है चवालीस हज़ार है और बहुत अच्छा व्यूज़ देखने को इनके चैनल पर मिलता है आप देख सकते हैं सेम ये ऐसी ही वीडियोज हैं सेम ऐसी वीडियोज़ हैं मिलियंस में सब्सक्राइबर हो चुके हैं इनकी पॉपुलर वीडियो की बात करें तो छः पॉइंट नाइन मिलियन है और यहाँ पे हर वीडियो पर समझ लो मिलियंस में व्यूज़ है और बहुत अच्छा वीडियो यहाँ पे ओल्डेस्ट वीडियो दो महीने पहले का है और ज़्यादा वीडियोस भी अपलोड नहीं की हैं इन्होंने देख सकते हैं इंडोनेशिया का ये चैनल है और 2019 में इन्होंने वीडियो को तो चैनल को तो क्रिएट किया लेकिन वीडियो दो महीने पहले ही डालना स्टार्ट किया है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यूज़ देखने को इनके चैनल पर मिल रहा है और जो मैंने ये आपको चैनल दिखाया था यहाँ पे दिखाते हैं इनके शॉर्ट वीडियोस पे बहुत अच्छा व्यू जाता है अगर आप ऐसी शॉर्ट वीडियोस पे काम करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट वीडियोस पे भी काम कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट वीडियोस पे बहुत अच्छा व्यू जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं मिलियंस में व्यू जा रहा है और आप कैट को चेंज भी कर सकते हैं कैट को अपनी तरीके से मूव भी करा सकते हैं बोल पा भी सकते हैं यानी सॉन्ग को कैसे लगाना वो सब इस वीडियो में बताने वाले हैं इसलिए वीडियो के इंटर तक बने रहिएगा तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि वीडियोस को कैसे बनाना एनिमेट कैसे करना कैसे एनिमेट करना है और कैसे एनिमेशन देना है सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं और गाना या शोंग को कैसे ए आई वॉयस में कन्वर्ट करना अपनी वॉइस में कैसे बोलना है अगर आप अपनी वॉइस बोलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं अगर ए आई वॉयस बोलना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है आप ए आई वॉयस का भी सहारा ले सकते हैं वॉइस से भी अपने चैनल को बना सकते हैं और अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं यहाँ पे ऐसे चैनल पे बहुत अच्छा व्यूज आता है क्योंकि एक ऐसा टॉपिक होता है जिसे बहुत ज्यादा देखना पसंद करते हैं यहाँ पे देखो सभी लॉन्ग शॉर्ट वीडियोज आ वीडियो रही हैं ऐसे ही देखो काफी अच्छा व्यूज देखने को मिलता है और यहाँ पे ये, देखो ये चैनल है किट्टी देव के नाम से एक 109 वीडियो को अपलोड किया है और यहाँ पे देखते हैं तो कुछ इस टाइप का है और इनकी लेटेस्ट वीडियोज की बात करें तो काफी अच्छा व्यूज है और यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा व्यूज़ देखने को मिलता है और यहाँ मोस्ट पॉपुलर वीडियो की बात करें तो कुछ इस टाइप का है छिहत्तर मिलियन है तीन महीने पहले की वीडियो जो है छिहत्तर मिलियन पचास मिलियन पंद्रह मिलियन इनकी वीडियो को जो ओपन करें तो यहाँ पे दोस्तों इनकी वीडियो जो आती है वो देखो अलग टाइप की आती है और उनकी कुछ अलग टाइप की है कुछ इस टाइप की देखो वीडियो आती है और सेम ऐसे ही गाता है सब कुछ ऐसे ही सेम होता है लेकिन इनके में कैट चेंज होता रहता है एनिमेट किया गया है और यहाँ पे इस टाइप से भी आप एनिमेट करके बहुत अच्छी खासी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं तो इनके चैनल के दोस्तों किसी भी चैनल की आपको ये कि चैनल की जो एयरनिंग दिखाते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी एयरनिंग भी होती है क्योंकि ऐसे चैनल जो होते हैं काफ़ी जल्दी बूस्ट भी हो जाते हैं क्योंकि जो भी बूस्ट होता है जो किड्स कॉन्टेंट का जो चैनल है बहुत जल्दी बूस्ट होता है ये एक ऐसा टॉपिक होता है बच्चे जो देखते हैं पूरी वीडियो देखते हैं बच्चे वीडियो को कभी स्किप करके नहीं देखते जो भी देखते हैं पूरी वीडियो देखते हैं इसलिए इस जो टॉपिक होता, होता है ये जो किड्स कंटेंट होता है ये बहुत ही जल्दी वीडियोज़ को वायरल कर देता है और बहुत ही जल्दी वीडियो सब्सक्राइबर भी गेन हो जाते हैं क्योंकि बच्चे हैं जो भी ज़्यादा अच्छा लगता है उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं और तभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन हो जाते हैं इन लोगों के और मिलियंस में होते ही टाइम नहीं लगता है ज़्यादा बहुत ही आसानी से मिलियंस में हो जाते हैं और पूरे दे, वीडियो देखने के मामले से और पूरी ज़्यादा मिलियंस में आने के बाद बहुत ही अच्छी अर्निंग भी होती है और आप लोगों का कहना होगा किड्स कंटेंट पे यर्निंग नहीं होती लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा किड्स कंटेंट पे यर्निंग होती है क्यों क्योंकि एक नॉर्मल सी वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता लेकिन किड्स कंटेंट पे बहुत ही अच्छा व्यूज़ आता है इसलिए किड्स कंटेंट पे काफ़ी अच्छी इर्निंग होती है तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो चैनल की जो इयनिंग है आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड मंथली जो एयरनिंग है नौ सौ बयालीस डॉलर से लेकर पंद्रह हज़ार सौ पंद्रह हजार, हजार तक की इनकी अर्निंग है पंद्रह हज़ार डॉलर तक की अर्निंग है नौ सौ बयालीस छः सौ आ गया है एक लाख से मतलब साठ सत्तर हज़ार तो इनका जो नौ सौ बयालीस से एक लाख से ऊपर बढ़ता है जाके रुपए इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो आप समझ जाएंगे अगर आप इंडियन रुपीज़ में 942 को कन्वर्ट करेंगे तो और यहाँ पे देख सकते हैं वीडियोस में व्यूअर्स हैं लास्ट थर्टी डेज के बहुत ज़्यादा है मिलियंस में व्यूज जब मिलियंस में व्यू जाएंगे तो ईयरनिंग भी बहुत अच्छी होगी और आपकी भी हो सकती है अगर आप ऐसे टॉपिक पर काम करते हैं बहुत ही अच्छे से वीडियोज़ को बनाते हैं और बच्चे के लिए अट्रैक्टिव वीडियोज़ को बनाते हैं जो पूरी वीडियो देखते हैं पूरी वीडियो जब देखेंगे तो आपकी इयरनिंग भी अच्छी खासी

कैट कैट क्लोथ्स फ़ोटो ठीक है जैसे ही आप सर्च करेंगे कैट क्लोथ्स फ़ोटो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की कैट वगैरह आ जाएंगी ठीक है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ये फ़ोटो है देखो कैट वाली बहुत अच्छी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और देखो ये फ़ोटो है बहुत ही अच्छी है ये चलती हुई कैट एनिमेट करना है और ये आपकी बन जाएगी इसलिए इसको भी डाउनलोड कर लेना है इनको भी डाउनलोड कर लेना है इस टाइप से यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे बहुत सी फ़ोटो आ जाएंगी अब देखो यहाँ पे जो फ़ोटो हैं फ़ोटो अनलिमिटेड फ़ोटोज है फोटो ए, फोटो दोस्तों यहाँ पे कभी भी फ़ोटो जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाली यहाँ पे जिस फ़ोटो पे क्लिक करोगे उसी टाइप की यहाँ पे फोटोज मिल जाएंगी देखो इस टाइप की फ़ोटो इस टाइप की फ़ोटो आप इस टाइप की भी फ़ोटो ले सकते हैं आप इस टाइप की फ़ोटो ले सकते हैं ठीक है आप इस टाइप की फ़ोटो ले सकते हैं आपके सामने इस टाइप की फ़ोटो आ जाती हैं आपके सामने इस टाइप की भी फ़ोटो आ जाती हैं ये फ़ोटो देखो कितनी अच्छी हैं इनको भी आप डाउनलोड कर लेना है आप इन फ़ोटो को भी डाउनलोड करना है ठीक है तो यहाँ पे जिस फ़ोटो पे क्लिक करोगे वैसी फ़ोटो यहाँ पर नीचे यहाँ पर रख देगा और आप डाउनलोड कर लेना देखो ये छः छः बिल्लियों वाली फ़ोटो हैं देखो कितनी सारी फ़ोटो हैं देखो ये फ़ोटो उनकी जो वायरल वीडियोज है सेम यही फ़ोटो है देखो ये फ़ोटो है और यहाँ पर देखो ऐसी भी फ़ोटो है ठीक है अब यहाँ पे जिस फ़ोटो पे क्लिक करोगे वह फ़ोटो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी आने लग जाएंगी आपके सामने कभी भी यहाँ पे फ़ोटो जो है अनलिमिटेड है कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं और जिस फ़ोटो पे क्लिक करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ़ोटो है जो न्यू न्यू बना के दे देता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ोटो मिल जाती हैं आपकी मर्ज़ी जो डाउनलोड करना चाहाना आप वह फ़ोटो डाउनलोड कर लेना है देख सकते हैं इस टाइप की फ़ोटो है इस टाइप की फ़ोटो हैं ये पढ़ती हुई बिल्ली है इस टाइप की फ़ोटो भी हैं इस टाइप की भी फ़ोटो हैं इस टाइप की भी फ़ोटो हैं यहाँ पर इस टाइप की भी फ़ोटो हैं और यहाँ पर बहुत टाइप की फ़ोटो मिल जाती हैं आप यहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं अब आपको बताते हैं कि जो इनको एनिमेट कैसे करना है इनको एनिमेटन इन एनिमेशन कैसे देना है अब आपको यहाँ से जाना है आपको एक जगह है और फ़ोटो जैसे कभी कभी फ़ोटो कम पड़ जाए आपको नहीं लगे कि वहाँ पे मिलने वाली है तो आपको यहाँ पे सर्च करना है लैक्सिका जैसे ही यहाँ पे लैक्सी फोटो सर्च करते हैं इसको ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है आपको जैसे यहाँ पे सर्च करना या यहाँ से किसी भी फ़ोटो को लेना है ऐसे दिखा देना है फ़ोटो को डन कर देना है तो इस टाइप की जो फ़ोटोज हैं आपके सामने बहुत सी आ जाएंगी ठीक है नीचे दे देगा इस टाइप की फ़ोटो देखो बहुत सी आ जाएंगी आपके सामने ये ऐसी फ़ोटो भी आ जाएंगी ये रख देता है और यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं कैट क्लॉथ्स ठीक है जैसे ही आप सर्च करते हो तो यहाँ पर भी इतनी सारी फ़ोटो दे देगा देखो गिनती नहीं है बहुत सारी फ़ोटो मिल जाती हैं आप जो फ़ोटो लेना चाहें वो आप यहाँ पर फ़ोटो ले सकते हैं अब आपको बताते हैं कि इनको एनिमेट कैसे करना है वो आपको बताते हैं या अब क्या करना है आपको एक काम करना है यहाँ पर यहाँ पे एक चीज़ सर्च करना है क्रोमपे रन अवे रन वे जैसे ही आप सर्च करते हैं तो ये वेबसाइट है ये ओपन करना है आपको यहाँ पर इसको एनिमेट करना है ठीक है इसको एनिमेट करना है इसको ओपन करना है यहाँ पे क्लिक करना है ट्राई रन अवे फॉर फ्री यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हो तो कुछ इस टाइप का आ जाता है और ये नीचे की तरफ जाना है यहाँ पर इस्टार्ट पे क्लिक कर देना है कुछ इस टाइप का आ जाता है और आपका अभी ओपन हो रहा है ठीक है ओपन होके आता है जैसे मैं मैंने इसको ओपन किया हुआ था तो डायरेक्ट आपका ओपन नहीं होगा फिलहाल ओपन हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बहुत ही आसानी से आप ओपन कर सकते हैं मैंने एक बार इसको ओपन किया तो डायरेक्ट ओपन हो रहा है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे मैं आपको बता देती हूँ और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप कहेंगे कि ये कैसे यहाँ से देखो यहाँ आपके में ये आएगा ये ऐसा आएगा और यहाँ पर आप क्लिक कर देना है ठीक है यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ये थोड़ा सा डाउनलोड लेता है फिर ये आता है बनके और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये फाइल मांगता है मतलब फोटो मांगता है अब यहाँ पे कोई भी फ़ोटो देनी है जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये फ़ोटो ले ली यहाँ पर डन कर दिया अब डन कर दिया थोड़ा टाइम लेता है इसको एनिमेट कर करके दे देगा बहुत ही वेस्ट एनिमेट करता है बिल्कुल ऐसा लगता है थ्री डी एनिमेशन बिल्कुल बन जाता है चलती हुई बिल्ली आ जाएगी अभी देखना बहुत ही अच्छा लगता है देखने में आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं अभी इतना हो गया अब यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना जैसे ही जनरेट पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा टाइम लेगा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ज़्यादा नहीं वेट करना पड़ेगा बस अभी ये जनरेट करके दे देगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहती हूँ ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच सके ताकि मैं मेहनत करती हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा तो यहाँ पे देखो है अभी जनरेट हो रहा है अभी हो जाएगा और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेता है बहुत ही आसानी से जितना डाटा आपका फास्ट होगा उतनी ही जल्दी ये काम कर देता है और देखो अड़तालीस हो चुका है अभी बस होने ही वाला है आपका हो जाएगा फिर आपको बताते हैं कि आपको वॉइस कैसे करनी है अगर खुद की वॉइस करना चाहते हैं तो आप खुद की वॉइस कीजिए अगर आप खुद की वॉइस नहीं करना चाहते हैं आप ए आई वॉयस करवाना चाहते हैं ए आई वॉयस सॉन्ग चाहिए तो वो आपको बताते हैं कि कैसे सॉन्ग को जनरेट करना है जैसे बड़े बड़े चैनल में एक गाना गाता है कोई भी लड़की या लड़का गाता है तो सेम वैसा कैसे करना है वो आपको बताते हैं अब देखो बन के रेडी हो चुका है यहाँ पर क्लिक करते हैं कुछ इस टाइप की देखो बहुत ही अच्छा देखो एनिमेट हुआ है बाव कितना अच्छा एनिमेट हुआ है अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड लोड होके आपका गैलरी में पहुँच जाता है ठीक है ऐसे ही आपको बारी बारी करके सभी फ़ोटो को कर लेना है जितनी भी बड़ी वीडियो बनानी है उतनी फ़ोटोज को ऐसे एनिमेट कर लेना है अब एनिमेट करके क्या करना है आपको कोई अगर वॉइस खुद की करनी है तो अच्छी बात है नहीं तो कोई बात नहीं आपको यहाँ पर फिर से क्लिक करना है यहाँ पे एक न्यू पेज लेना है न्यू पेज और जैसे ही मैंने न्यू पेज लिया यहाँ पे आपको क्लिक करना है चैट जीपीटी जैसे ही चैट जीपीटी सर्च करोगे तो यहाँ पे चैट जीपीटी आ जाएगी और चैट जीपीटी आके यहाँ पे कुछ लॉगिन हो जाना है अपनी जीमेल से और मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो अब मेरा कुछ इस टाइप से ओपन हो जाता है ठीक है आप भी लॉगिन हो जाना किसी जीमेल अकाउंट से और यहाँ पे आपको सर्च करना है कोई भी कविता सर्च करनी है कोई भी जैसे अगर आप कविता चाहते हैं जो भी आप हिंदी में जैसे और या इंग्लिश में अगर इंग्लिश में चाहते हैं कोई आप पोई वगैरह कविता वगैरह तो यहाँ पे लिखना है किड्स लर्निंग बेबी शोंग किड्स लर्निंग बेबी शोंग और कितने वर्ड का चाहिए ट्वेंटी वर्ड का या आपको दो सौ वर्ड का चाहिए जैसे मुझे मैं दो सौ वर्ड लिख देती हूँ तो यहाँ पे दो सौ वर्ड लिख देना है यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे ये जो कविता वगैरह है लिख के दे देगा देखो कुछ इस टाइप से ठीक है तो यहाँ पे इंग्लिश में लिख के देता है आप हिंदी में लिखवाना चाहते तो आप हिंदी में भी यहाँ पे आ जाएगा लिख के जैसे ही आप हिंदी में यहाँ पे लिखेंगे मुझे मे शोंग लिख कर दो ठीक है तो यहाँ पे कितने बर्ड की चाहिए जितने बर्ड की आपको चाहिए तो उतने बर्ड की मांग सकते हैं नहीं भी बर्ड लिखेंगे तब भी ये लिख के दे देगा देखो हिंदी में कुछ इस टाइप सी देखो कुछ इस टाइप से ये हिंदी में कविता लिख रहा है और आपके सामने ये कविता जो है इंग्लिश में आ जाएगी हिंदी में आ जाएगी आप इंग्लिश में लिखवाना चाहेंगे तो इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे लिख देगा और जैसे ही मैंने इस कविता को यहाँ से कॉपी करते हैं और आप भी ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पे जैसे ये जो है इंग्लिश में है और आप इंग्लिश में भी लिखवा सकते जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इंग्लिश में तो ये इंग्लिश में भी लिख के देगा देखो ये इंग्लिश में लिख के देगा इस टाइप से देखो ये इंग्लिश में लिख के देगा और आप इसको इंग्लिश में कर सकते हैं हिंदी में कर सकते हैं फिलहाल तो मैं हिंदी वाला आपको करके दिखाती हूँ अगर आप हिंदी वाला वेवी सॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से अब आपको क्या करना आपको फिर से एक न्यू पेज लेना है और बहुत ही अच्छे से काम हो जाता है आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन दोस्तों कुछ भी काम नहीं है बहुत ही आसानी से ऐसी वीडियोज़ को आप बना सकते हैं अब यहाँ पे आपको सर्च कर सकते हैं सुनो आई सुनो ए आई ठीक है दोस्तों एक फोन में आप चलाएंगे वीडियो एक में करके देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कोई भी काम ज़्यादा नहीं है बहुत ही आसान है यहाँ पे सुनो ए आई जैसे ही मैंने सर्च किया तो ये वेबसाइट आ गई इसको ओपन करना है कुछ इस टाइप से ये आपकी ओपन हो जाती है और ये ओपन होके यहाँ पे मैं के सॉन्ग पे आपको क्लिक करना है और इसमें किसी जी से आपको लॉग हो जाना है तभी कुछ ऐसा बन के आएगा जैसा मेरे में है और मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ आप भी किसी जी अकाउंट से लॉग हो जाना है और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है आपको क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पे इसको करना है पेस्ट जो भी आप वहाँ से कॉपी करके लाए थे अब यहाँ पे जैसे जैसे मैंने कविता और जैसे मैंने वहाँ से ये कविता कॉपी करके लाई तो यहाँ पे रख दिया अब यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये दो कविताएं बना के दे देगा आपको और जितनी बार आप क्रिएट पे करेंगे क्लिक तो उतनी बार ये कविता बना देगा और यहाँ पे आपको फ्री में पचास कविता बना सकते हैं एक बार में पचास वेवी सॉन्ग्स बना सकते हैं आप इंग्लिश में बनाइए चाहे हिंदी में बनाइए आपकी मर्ज़ी जितना बड़ा आप कॉपी करके बनाएँ आपकी मर्ज़ी ठीक है तो ये जैसे ही बना के देता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे क्या करना है देखो ये बना के दे दिया है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैं अभी देखो आपको सुनाऊंगी कुछ इस टाइप से सुनने में आता है अब देखो कुछ इतना अच्छा बना के देता है एक है बच्चे संगीता है चलो एक गाना कितना अच्छा लगता है देखने में अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये गाना दूसरा है अभी अब, अब ये एक लड़की का देता है बना के एक लड़के का बना के देता है यहाँ पे दो कविता आपको जनरेट करके देता है आपको जो भी अच्छी लगती है तो वह आप यहाँ पे रख सकते हैं बहुत ही देखने में अच्छा लगता है बहुत ही अच्छी कविता बन जाती है आपको कोई म्यूजिक लगाने की भी जरूरत नहीं है आप यूज कर सकते हैं आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आपको लगता है कि मैं अपनी वॉइस करूं तो आप अपनी खुद की वॉइस कर सकते हैं अपनी खुद की वॉइस भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है आपको यहाँ पर थ्री डोर पर आपको क्लिक करना है अब आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आईडियो में डाउनलोड करना है या वीडियो में डाउनलोड करना तो मुझे आई में डाउनलोड करना है ठीक है तो मुझे आईडियो में डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ जैसे मैंने आपको बताया ठीक है अब यहाँ पे आपको क्रोम पे चले जाना है क्रोम पे ठीक है क्रोम्स पे और जैसे ही क्रोम पे जाते हैं फिर यहाँ पर ये यह डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है इसको डाउनलोड कर लेना है कुछ इस टाइप से ठीक है ये डाउनलोड होकर आपका गैलरी में पहुँच गया आपको बताएंगे कि आपको एडिटिंग कैसे दोस्तों अब आपको एडिटिंग करनी है एडिटिंग अगर किसी और ऐप से करते हैं तो कोई बात नहीं आप किसी और ऐप से कर सकते हैं मैं काइन मास्टर से एडिटिंग करती हूँ तो कायन मास्टर को ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पे कान मास्टर को ओपन करते हैं जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और सोलह पॉइंट नाइन रेसियों को सेलेक्ट करना है अगर आपको लॉन्ग वीडियोज़ बनानी है शॉर्ट वीडियोज़ बनानी है तो यहाँ पर नाइन को सेलेक्ट करना है और सोलह पॉइंट नाइन सेलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक करना है ठीक है और जो वीडियो ने आपने एनिमेशन किया था वीडियो में वो ये है देखो जैसे मैंने ये वीडियो है ये वीडियो है ये वीडियो है और ये वीडियो है ये है और ये है ये है तो मैंने इतनी जो फ़ोटो है एनिमेट की हुई है और आपने ज़्यादा की होंगी तो ज़्यादा कर लेना जितनी बड़ी वीडियो को बनाना है जैसे मैंने ये वीडियो की थी तो यहाँ पे क्लिक करना है ये फुल पर्दे में करना है सबसे पहले आपको नीचे की तरफ़ जाना है यहाँ पे पैन एंड जूम का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे क्लिक करना इक्वल वाले पे ए, क्लिक करना है और इसको कर देना ऐसे फुल पर्दे में तो कुछ इस टाइप की आपकी वीडियो आ जाती है बनके कुछ इस टाइप की अब इसको करते हैं इसको भी फुल पर्दे में करते हैं इक्वल वाले पे क्लिक करके ठीक है तो ये भी आपकी फुल पर्दे में कुछ इस टाइप से आएगी और यहाँ पे इसको भी फुल पर्दे में तो ये तो है ही है लेकिन इसका बॉटर मार्क्स खुवा देते हैं ठीक है और इसको भी फुल पर्दे में कर देते हैं इसको भी फुल पर्दे में कर देते हैं ठीक है इसको भी फुल पर्दे में कर देते हैं पैनट जूम पे क्लिक करके फुल पर्दे में कर देते हैं हर फ़ोटो को फुल पर्दे में कर देना अच्छे से ठीक है ताकि देखने में बहुत ही अच्छा लगे ऐसे ठीक है हर फोटो को फुल पर्दे में कर देना है जैसे ये फ़ोटो मैंने फुल पर्दे में कर दी है और ये देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है कुछ इस टाइप का आपका वीडियो जो है बन के रेडी हुआ है बहुत अच्छा देखने में लगता है कुछ इस टाइप का वीडियो रेडी होता है आपका और अब आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आपको जैसे अगर माइक रखनी है तो आप माइक रख सकते हैं ठीक है और नहीं रखनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप माइक रखना चाहें तो रख सकते हैं यहाँ पे ठीक है और पहले मैं आपको बताती हूँ अगर कोई अपने आप अगर आप वॉइस करना चाहते हैं कविता वगैरह बेबी सॉन्ग वगैरह गाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना रिकॉर्ड पर और स्टार्ट पे क्लिक करना ऐसे अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना है कविता वगैरह गाना है दूसरे फ़ोन से ठीक है अपने हिसाब से जैसे भी आप गा सकते हैं अगर नहीं आपको गाना है ए आई वॉइस को यूज करना है तो आपको फिर आइडियो पे क्लिक करना है ये ऐसे जाना है और फोल्डर पे क्लिक करना है डाउनलोड पे क्लिक करना हो ये वाली वॉइस मिल जाएगी आपको ये जो है मैंने यहाँ पे रख दिया कि ठीक है तो आपकी ये जो कविता वगैरह बेबी शौक वगैरह है ये यहाँ पे आ गया है मैंने इतनी छोटी सी वीडियो बनाई है कविता वगैरह बहुत लंबी है और आप ऐसे फ़ोटो को ऐड करते रहिएगा ज़्यादा फोटो ऐड हो जाएंगी इसको देखो ज़्यादा फोटो जो ऐड हो जाएंगी यहाँ पे और भी फोटो हो आपकी एनिमेट हुई हुई तो आप लंबी वीडियो बना सकते हैं आपकी मर्जी देखो कुछ इस टाइप से बहुत ही देखने में अच्छा लगता है इस टाइप से आप कर सकते हैं अगर आपको माइक लगानी है तो मैं आपको माइक लगाना भी बताती हूँ आपको क्या करना है आपको फिर से इमेज सर्च जो ऐप आप आपने डाउनलोड किया था इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है माइक फ़ोटो ठीक है माइक फ़ोटो जैसे ही आप सर्च करेंगे कुछ इस टाइप की माइक आ जाती हैं देखो कुछ इस टाइप की माइक आ जाती हैं और आप कोई भी माइक ले सकते हैं जैसे मैंने ये माइक ले ली और यहाँ पे इसको यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया डाउनलोड कर लिया अब इसको फोटो में पीएनजी बनाना है तो पीएनजी मैं रिमूव बीजी से बनाती हूँ आप किसी और ऐप से बनाते तो आप किसी और ऐप से पीएनजी को बना सकते हैं मैं तो रिमूव बीजी जो एक ऐप है उससे पीएनजी बनाती हूँ आप उससे बनाना चाहते तो रिमूव बीजी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है तो यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं इसके बैकग्राउंड को ये जो फोटो है आ जाएगी इस टाइप से और इसका बैकग्राउंड है जो रिमूव हो गया है इसको डाउनलोड पे क्लिक करना तो ये डाउनलोड हो जाएगा और आपका पहुंच जाएगा गैलरी में ठीक है अब आपको क्या करना है आपको फिर से काइन मास्टर पर क्लिक करना है और आप काइन मास्टर पर क्लिक करके यहाँ पे आपको माइक को लगाना है यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करना है और ये माइक लगा देनी है ठीक है और ये माइक कुछ इस टाइप से रख देनी यहाँ नीचे की तरफ़ रखनी है और यहाँ की पे क्लिक करना है और ऐसे पीछे की तरफ जाना है और कुछ इस टाइप से यहाँ पे कर देना है ठीक है तो ये आपकी माइक यहाँ पे आ जाएगी और ऐसे इसको थोड़ा खींच के इसके लेयर को ऐसे ऐसे छोटा कर दीजिएगा तो ये जल्दी आ जाएगी ठीक है जैसे यहाँ पे आती है तो यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे इसको फिर से रख दीजिएगा और यहाँ पे सेट कर दीजिएगा ठीक है और इसको बड़ा कर दीजिएगा देखो बहुत ही देखने में अमेजिंग लगता है इस टाइप से आप वीडियो को बना सकते हैं बहुत ही अमेजिंग लगता है और माइक लगी ऐसा लगता है यही गा रहे हैं तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है अपनी वॉइस को एडिट करना चाहते हैं तो आपको मिक्सर पे क्लिक करना है और इसको इनेबल करना है अगर वॉइस को ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो आप वॉइस को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करना है आपको वॉइस चेंज अगर करना है तो यहाँ पे वॉइस चेंज भी कर सकते हैं बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे वॉइस चेंज भी कर सकते हैं ठीक है और रिवर्व पे, पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी वीडियो भी बना सकते हैं क्रच पे क्लिक करके इन दोनों पे तो आपकी जो वॉइस है बहुत ही गूंजती हुई नज़र आएगी इस पर स्प्रिंग रिवर्व पे क्लिक कर देंगे तो ज़्यादा गूंजेगी आवाज़ समझ में भी नहीं आएगी इतनी ज़्यादा गूंजेगी ऐसा लगेगा कि हाँ माइक से ही गाया जा रहा है तो इस टाइप से हो जाएगा आप करना चाहें तो आप कर लेना मैं आपको बता देती हूँ ठीक है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही टॉपिक हमारे चैनल पर देखने को मिल जाते हैं बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं ताकि आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और ऐसे ही टॉपिक की वीडियो देखने के लिए आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से